त्योहारी सीजन में जिस तरह प्याज टमाटर का भाव बढ़ रहा है, जिससे आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले आलू और प्याज के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। जमशेदपुर में प्याज के फुटकर दाम जहां 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गए, तो वहीं आलू का भाव भी 50 रुपए प्रति किलो से ऊपर चल रहा है। हरी सब्जियों के रिटेल दाम भी 60 से 70 रुपए प्रति किलो के बीच है। दिवाली के आसपास इसमें और इजाफा होने की आशंका है। लोगों का कहना है कि बढ़ती सब्जियों की कीमत से उनके थाली का स्वाद बिगड़ गया है। सरकार को बढ़ती कीमत पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। सब्जियों के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा बजट पूरा गड़बड़ा रहा है। कहाँ प्याज 50 से लेकर अब 80 रुपये होने जा रहा है, और टमाटर के दाम भी बहुत बढ़ गए। हरी सब्जियां जो रोज खाते हैं सब, उसके भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी नवरात्रों का टाइम है, लोग मांसाहारी नहीं खा रहे हैं, जिसके कारण लोग सब्जी खा रहे हैं, हरी सब्जी, और इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, बजट बहुत ज़्यादा गए। सरकार से निवेदन है कि सब्जियों के दाम थोड़ा कम किया जाए। आलू प्याज जो है, अभी नवरात्रा चल रहा है, इसके बावजूद अभी सब्जी बहुत महंगा चल रहा है। खासकर जो सब्जी में आलू और प्याज का इस्तेमाल होता है, उसका रेट जो है बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आम पब्लिक को बहुत जो है कठिनाई हो रहा है।